हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये जेंट्स स्वेटर पे, लेडीज कार्डिगन पे, बच्चों के स्वेटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही इजी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय करें मेरे बनाए हुए डिजाइन। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस 1 कर लेना है, तो आपका डिजाइन सेट आ जाएगा। पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे। नेक्स्ट हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर चौथा फंदा हमने सीधा बना लेना है। 3 फंदे उल्टे, 1 सीधा, ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो पे क्या करना है, एज इट इज जैसा हमें दिखाई देता है, जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाना है। पहला फंदा उतार लिया है, नेक्स्ट 3 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं तो हम सीधे बना लेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे। ये पूरी रो इसी तरह से बनेगी। ये 2 सिलाइयां हमने बना ली हैं डिजाइन के, देखिए इस तरह से। 4 सिलाइयां हमने और बना लेनी है, पूरी 6 सिलाइयां बनानी है। फ्रेंड्स, ये 6 सिलाइयां हमने बना ली हैं इस तरह से। अभी 7th सिलाई में हमने डिजाइन डालना है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिलाइयां हो गई। तो 7 सिलाई में डिजाइन डालेंगे। कैसे डालेंगे, इसको उतार लेना है। ये उल्टे फंदे हैं, जो इनको उल्टा बना लेना है। धागा इधर करना है, ये देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया है, ये सीधा फंदा, एक हमने लूप यहां से निकालना है ऐसे, दूसरा दूसरी सिलाई में से निकालना है, फिर तीसरी में से ऐसे कर करके 5 लूप निकालने हैं हमने। ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। ये 5 लूप हमने निकाल लिए हैं, और जो ये सीधा फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है। इस बार धागा इधर करेंगे, सबसे पहले ये वाला फंदा नीचे गिराएंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी तरह से हम 5 फंदे सिलाई से नीचे गिरा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। नेक्स्ट 3 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे,
धागा इधर करेंगे, यहां से फंदे उठाने शुरू करेंगे जहां से हमने पहली बार सीता बुना है। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच फंदे उठा लेंगे। ये सीते फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर एक एक करके इस तरह से इनको हमने गिरा देना है। फिर नेक्स्ट हमने तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर सीधा वाला फंदा आ गया, यहाँ फिर से डिजाइन डलेगा। एक, दो, तीन, चार और एक पांच, पांच फंदे हो गए। सीधे वाले फंदे को उल्टा बना लेना और इन सबको एक एक करके ध्यान रखना है, जो सबसे पहले लूप बनाया उसको सबसे पहले गिराना है। इसी क्रम से सारे बारी बारी से गिरा देंगे और जो फंदा हमने उल्टा बुना है वो हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और एक पांच, इसको बनाएंगे हम उल्टा। एक, दो, तीन, चार और एक पांच, पांच के पांच फंदे हम नीचे गिरा देंगे और सीता वाला फंदा है जो अभी हमने उसको उल्टा बनाया वो हमारे पास बच जाएगा। इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से बन रहा है ये डिजाइन। नेक्स्ट रो पे क्या करना है, हमने इस रो को हमने पूरी रो को हमने सीधा सीधा बना लेना है। पूरी रो को हमने सीधा बनाना है। ये रो हमने कंप्लीट कर ले, ये एक डिजाइन हमारा डल गया पूरा। नेक्स्ट टाइम हमने ये वाला डिजाइन यहाँ पे डालना है, ये जो तीन फंदे हैं उनके बीच में एक फंदा सीधा बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, नेक्स्ट उल्टा बुनेंगे, ये एक फंदा उल्टा बुन लिया हमने, फिर इसको एक को सीधा बुन लेंगे, एक उल्टा बुना, एक ये डिजाइन वाला है जो ये उल्टा बुना, एक नेक्स्ट उल्टा बुना, फिर एक सीधा। इस तरह से हमारे नेक्स्ट डिजाइन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसको सीधा बनाएंगे,
स्टार्टिंग में आप एक बार देख लेंगे तो आगे अपने आप डिजाइन चलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा सीधा फंदा शुरू हो गया। ये देखिए, दो हमने सीधे बना लिए, एक उल्टा आ गया, फिर तीन सीधे, एज इट इज जैसा हमें दिखाई देगा वैसा ही हम बनाते चले जाएंगे। छह सिलाइयां, फ्रेंड्स ये छह सिलाइयां हमने बना ली हैं। ये देखिए, सॉरी, ये दो सिलाइयां बनी हैं अभी हमारी। इसी तरह से हमने छह सिलाइयां कर लेनी है, उसके बाद हमारा फिर इसी तरह से डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही बनता रहेगा आगे आगे डिजाइन। आप बना के देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा ये डिजाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।